नमस्कार, डी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन के साथ मैं रूपाली। उल्फा उग्रवादियों द्वारा समस्तीपुर जिले के खानपुर निवासी इंजीनियर राजकुमार दिवाकर का अपहरण पिछले वर्ष 21 दिसंबर के अरुणाचल प्रदेश में एक निजी कंपनी से किया गया। इंजीनियर और उनके परिवार के लोग रिहाई के लिए नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी अपने बच्चे के साथ समस्तीपुर के विधायक के समक्ष आज लगाया गुहार। समस्तीपुर के खानपुर के रहने वाले राजकुमार दिवाकर, जो अरुणाचल प्रदेश में एक निजी कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे, उनका और उनके एक सहयोगी इंजीनियर का अपहरण विगत 21 दिसंबर को उल्फा उग्रवादियों द्वारा उनके साइट से ही कर लिया गया था। अपहरण की जानकारी मिलने के बाद से समस्तीपुर में उनकी पत्नी, एक कैंसर पीड़ित 5 साल का बेटा, एक 7 साल की बेटी के साथ ही सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन के मुताबिक वे लोग बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री और कई बड़े अधिकारियों तक लिखित रूप से राजकुमार की सकुशल रिहाई को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक कहीं से भी न्याय का भरोसा नहीं मिला है। मैं राम कुमार, घर बहादुरपुर, थाना अलौली, डिस्ट्रिक्ट खगड़िया, बिहार का निवासी हूँ। मैं किपो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का एक कर्मचारी हूँ। मुझे इस कंपनी से हुआ संकट के लिए मुझे एनएसएन और अल्फा आईए 1 महीना से बंदी बना के रखा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि आप असम के मुख्यमंत्री जी से बात करके मेरा रिहाई का व्यवस्था कीजिए। धन्यवाद। उसके बाद थोड़ा पता चला कौन का अपहरण हो गया, फोन किया हमको, स्विच ऑन बता रहा था। उसके बाद कैसे पता चला और क्या कहा गया अपहरण के बाद? कुछ कर्मचारियों द्वारा पता चला कौन का अपहरण हो गया, फिर हम कंपनी वालों को फोन लगाए, भाग किए तो बोल रहे थे आपका पति मिल जाएगा, आप दिन दस दिन में आ जाएगा। अभी तक क्या स्थिति है, कि सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल हुआ है? तो अभी आप विधायक जी के, समस्तीपुर विधायक के पास आए थे, उन्होंने क्या भरोसा दिया? आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री को, क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड जितना जल्दी हो सब मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरे पति को जल्द से जल्द छुड़ा के ला। कौन किया अपहरण आपके पति को? अल्फा वालों। अच्छा, और क्या कहा था फोन में? फोन क्या मांगा, कितना पैसा मांगा गया है उसको? वो कंपनी वालों से ही मांग रहे थे, वो 15 करोड़ रुपया मांग रहे थे। कितना? 15 करोड़। और नहीं देने पर? नहीं देने पर वो बोल रहे हैं कि जहाँ से वो ये क्विपो कंपनी एक है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ इंजीनियर हैं। ये लड़की हमारे समस्तीपुर जिला की है, इसकी शादी खगड़िया जिला में हुई है, इसके पति इंजीनियर हैं क्विपो जिला अरुणाचल प्रदेश में और क्विपो कंपनी में, जहाँ पर अल्फा जो उग्रवादी संगठन है जिसने वहाँ 2 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया, जिसमें एक हमारी इसके पति हैं और एक अरुणाचल प्रदेश के ही। वहाँ के उल्फा संगठन ने प्रेस रिलीज जारी करके वहाँ की सरकार को, कंपनी को अल्टीमेटम दिया है कि 16 तारीख तक 15 करोड़ रुपए की डिमांड किया है कि अगर नहीं देंगे तो इसको हम मार देंगे। तमाम न्यूज चैनल में भी चला है उसके अल्टीमेटम, उसका जो प्रेस रिलीज है अल्फा संगठन का। ये लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तमाम बड़े लोगों से मिल करके अपनी बात रखना चाहते हैं कि उचित पहल किया जाए, उसको बचाने के लिए उचित कदम उठाया जाए। कल पहली बार ये लोग हमसे मिलकर पूरी घटना को बताए कि हम स्थानीय सांसद से मिले, विधायक से मिले, पटना जाकर के मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, विधायक सांसद अन्य लोगों के माध्यम से, लेकिन किसी ने इनकी मुलाकात नहीं कराई। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया के माध्यम से
इनकी बातों को देश के प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, बिहार के मुख्यमंत्री तक, देश के गृह मंत्री तक इनकी गुहार पहुंचे और केंद्र सरकार, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो, वहां के सरकार से बात करें, जिस भी तरह से वार्ता करके इनको सुरक्षित कैसे वहां से निकाला जाए, इस पे उचित पहल होना चाहिए। इनका परिवार बहुत ही निर्धन गरीब परिवार है और एक ही सहारा वही इंजीनियर है जिसके पर सहारा चलता है, माता है, पिता है, दो बच्चे हैं और एक छोटा बच्चा 5 साल का जिसको ब्लड कैंसर है, जिसका इलाज चल रहा है। अगर एक आदमी के साथ कोई हादसा होता है तो पूरे परिवार के साथ समझिए हादसा हो जाएगा। पीड़ित आपके पास गुहार लगाने पहुंची है तो आप क्या करेंगे अपने स्तर से? हम, मेरा प्रयास होगा कि हम इसको 1 से 2 दिन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तक भी बात ले जाएं, किसी भी तरह से मुख्यमंत्री जी तक बात आनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को वहां के सरकार से बात करनी चाहिए। हम अपने स्तर से ये प्रयास करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष वहां के मुख्यमंत्री से बात करके जो उचित पहल होता है करें। और इनके पति को रिहाई कराया जाएगा जी? इनके पति को रिहाई कराया जाएगा? निश्चित रूप से रिहाई कराने के लिए जो भी उचित पहल होगा करेंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री से और देश के गृह मंत्री से हम मांग करते हैं कि जो भी उचित कदम हो उठाना चाहिए और किसी तरह इनकी रिहाई करनी चाहिए, एक वार्ता करके हो या जिस तरह से हो, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे परिवार की बात है और ये लगातार दर बदर की ठोकर खा रही है। मुख्यमंत्री जी से कोई मिला नहीं रहा है और जबकि कई विधायकों से, कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ये मिल चुकी है, इनका परिवार मिल चुका है, दर बदर की ठोकर खा रहा है, कहीं भी मदद नहीं मिला, कहीं इनको मदद नहीं मिला है, कहीं कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई मुख्यमंत्री तक से इनकी मुलाकात नहीं करा सका है। कल हमारे पास आए हैं तो हम आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री से गुहार लगाते हैं कि इस पीड़ित को देखिए, बिहार की बेटी है, समस्तीपुर की बेटी है और बिहार का बेटा है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उस अल्फा संगठन ने कहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो व्यक्ति अपहृत है कर्मचारी, उसको कहा है कि इसको जान का खतरा नहीं है, और बिहार के बारे में जो बिहार के कर्मचारी है उसके बारे में कहा है कि इसको 16 तारीख को अगर नहीं हुआ 17 तारीख को मार देंगे, ये खुला अल्टीमेटम दिया है। उसके बावजूद न केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बात किया है, न बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने इनसे बात किया है, न बिहार सरकार के कोई आला अधिकारी इन लोगों के अभी तक पुरसा हाल लेने के लिए आए हैं कि हम लोग क्या पहल कर रहे हैं। वो तो बाद में मरेगा, उससे पहले ये लोग यहाँ पर डर से सहम कर करके, इसका पत्नी, इसके माता, इसका पिता, इसका बच्चा जान दे देगा, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि इन लोगों से बात करे और उचित कदम उठाकर उसकी रिहाई के लिए कोई भी कारगर कदम उठाए। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इस पीड़ित समस्तीपुर समाहरणालय परिसर में खड़े ये सभी लोग पंचायत प्रतिनिधि है। ये सभी लोग परेशान है नगर निगम की घोषणा से। आइए जान लेते हैं इन्हीं से आखिर क्या समस्या है। कम होने की चर्चा हुई थी, इस पर हमारे पदाधिकारी आज सभी मुखिया से बातचीत किए हैं कि मतलब उनका ये क्वेश्चन था कि आप लोग मतलब क्यों नहीं चाहते हैं कि नगर हो, पंचायत ही क्यों रहे। तो उन्होंने हर पंचायत की मुखिया लोग अपना अपना दिए जवाब कि मतलब किस ग्राउंड पर हमारा पंचायत ही रहे, नगर ना हो, क्योंकि बहुत ऐसा पंचायत है जो देखने में तो लगता है कि शहर है लेकिन उसमें काफ़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं और उन लोग को डर हो गया है कि हम लोग को खाने पर आफत है, फिर हम लोग टैक्स कहाँ से भरेंगे, अगर नगर निगम होगा तो हम लोग को हर चीज़ का टैक्स बढ़ जाएगा। इसी सब विषय एक मतलब चिंताजनक विषय है, इसलिए हम लोग अपना पदाधिकारी जो हैं उनको सारा हम लोग समस्या रखने का काम किए हैं, उस पर वो उन एरिया को भी शामिल किया गया है क्या, जहाँ तक कृषि योग्य भूमि है ज्यादातर, हाँ, आवासीय कम है, उनको भी शामिल कर लिया? हाँ जी, उन एरिया को भी शामिल किया गया है, लेकिन आज हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि हम लोग सारा हर पंचायत का सर्वे करेंगे और फिर उसके बाद कुछ डिसीजन लेंगे। को नगर निगम जो किया गया है तो कोई पंचायत से कोई जो है सो रिपोर्ट नहीं लिया गया और ये डायरेक्ट सरकार द्वारा जो है जो जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया, जो नगर निगम जब तक बिना जांच किए हुए जांच करना चाहिए जो कृषि भूमि कितना है, कृषक मजदूर कितना है, उस पर निर्धारित होना चाहिए, भूमि कितना एकड़ में है कृषि योग्य भूमि, इस पर इस मानदेय पर सबसे बड़ा सवाल है जो ये जो नगर निगम में शामिल करने का जो सुझाव आया है, आदेश आया है 2011 के जनगणना के आधार पर किया गया है, जबकि अभी 2021 है और ये 10 वर्ष में लगभग प्रति वर्ष 2% भी वृद्धि होता है जनसंख्या, तो 20% वृद्धि होगा अभी के जनसंख्या के आधार पर लिया जाए
और इसमें हम लोग सुझाव हम लोगों से लिया गया है, हम लोग सुझाव दिए हैं जो सारे एक बार जो है सो कृषि योग भूमि जो है उसको एक्वायर करवा लिया जाए, कि हम लोगों के पंचायत में कितना कृषि योग भूमि है, 73% भूमि है कृषि योग और 50% से ऊपर मजदूर है, कृषक मजदूर है, वो जो है सो टैक्स देने के लायक नहीं है, इसीलिए इस पर हम लोग सुझाव दिए हैं, जांच करके आगे जो है सो आगे के कार्रवाई किया जाए, नहीं तो इसको पंचायत में ही रहने दिया।